नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में छात्र डाक बंगला चौराहा को घेर कर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, ये पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 से लेकर वो पैडल मार्च रोड मार्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं। क्या कुछ मांग है, आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए? हम लोग को यथाशीघ्र शेड्यूल जारी करें सातवीं चरण प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी के। शिक्षक चोर गूंजेगा, बदन तिरमान बदलेगा, करो शिक्षक की भर्ती तो बिहार बदलेगा। आप कहते हैं क्वालिटी एडुकेशन लाएंगे, कहाँ से? जब क्वालिटी टीचर रहेगा तब ना। क्वालिटी टीचर को आप रोड पर छोड़ दिए हैं। वो कहते हैं क्वालिटी एडुकेशन हम बिहार में व्यवस्था करेंगे, कहाँ से? अरे तीर कमान से, बात जमान से, शरीर प्राण से निकल जाती है ना सर, तो वापस नहीं आती है। बोलने से पहले सोचना चाहिए। अरे ना वह मिला ना बेहरा, ऐस रहा भरपूर सृष्टि बंत कहानी है। अरे अंध मुरुख कह दो, ये अंधरा मुरुख हुआ के हम लोग 3 साल से समझा रहे हैं। हम लोग रचनात्मक तरीका से आंदोलन कर रहे थे, 22 दिन लगातार गर्दनी बाग में रहे, परंतु ये सुनने वाले नहीं है। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है इन सरकारों को। तो हम लोग भी अब जो घोषणा करूंगा देखने को मिलेगा इन लोग के। अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, आरजेडी की सरकार आ गई, इसमें उम्मीद नहीं है? उन्होंने उनके 4-5 नेता हम लोग के समर्थन में आए थे, और जैसे ही उनका पार्टी मिला, पार्टी में जब नेता का गठन हुआ, वैसे ही बोली बदल गया। कोई मोहब्बत से काम चलाना चाहता है, कोई कहता है कि रोजगार के मांग हो गया, यही उपलब्धि हो गया। साहब नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री, और दीपक सर और रवि सर उसमें शिक्षक के जो प्रधान सचिव थे, अब वही सचिव ही सब हैं। हम लोग के यथाशीघ्र आपको अगर जो पावर है तो चाहिएगा तो तुरंत कर दीजिएगा। अगर जो आप अपना क्षमता खो दिए हैं तो अपने पद से इस्तीफा दीजिए, उस पद की एक गरिमा है। हम लोग नॉर्मल आदमी किसी को एक बार वचन देते हैं निभाने की कोशिश करते हैं, आप लोग के अपना एक पद की गरिमा है, सौगंध है उस पद का। अगर जो नहीं चल पा रहा है तो इस्तीफा दीजिए, उसको जगह पर और कोई आएगा। आप नहीं थे तक नहीं कोई शिक्षा मंत्री था, बिहार में बहुत सारे शिक्षा मंत्री हैं। जिस बिहार में ज्ञान और शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, उस बिहार के शिक्षा को आप रोड पर उतारे हैं, क्या अच्छा बात है, सजग बात है? महाराज आप लोग हम लोग के साथ जो खिलवाड़ी कर रहे हैं इसका जवाब देना होगा, और इसका सुधे मुरे जवाब देना होगा। भैया यहाँ देख सकते हैं कि जो अपने मांगों को लगातार ये सीटें बिट कर बैठती है। हम लोग 5 दिन से हैं, ये नया शिक्षा मंत्री बनते हैं और कहते हैं धैर्य रखो। हम 4 साल धैर्य रखे, अब कितना धैर्य रखे आप बताइए? आपको सत्ता तुरंत मिलता है, हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, आपको 1 दिन में सत्ता पलट देते हैं, हमें नोटिफिकेशन देने में क्या दिक्कत है आपको? हमको नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो यहीं पर गोली मारिए। क्या उनसे उम्मीद नहीं है? नहीं, हमको नोटिफिकेशन चाहिए, अगर नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा तो गोली मार दीजिए, यहीं पे खड़े हैं। सर एक चीज और, प्रशासन तो रोक दिया आप लोग को यहाँ पर, मार दे गोली। ये भी इनके हम बच्चे हैं, इनको मेरी मेजबानी समझनी चाहिए। ये लगातार है जो अभ्यर्थी है काफी गुस्से में है, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें गोली मार दीजिए लेकिन हमारे नोटिफिकेशन जारी करिए। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अपने मांगों को लेकर अड़ी। आपको बता दें ये फिर से कि ये गांधी मैदान से शांतिपूर्ण मार्च निकाले थे और इन्हें डाक बंगला चौराहा पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। इनकी जो मांगे हैं कि वो सातवीं चरण की विज्ञप्ति जारी करें, और ये पूरी तरह से अपने मांगों को लेकर अड़ी गए हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि 1 दिन में सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो क्यों नहीं हमारे मांगों को सुना जाए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार। जिएंगे, 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 जिएंगे।